Hello and welcome to The Quest on Rajya Sabha TV. I'm Rakhee Bakshee. This is the Battle of the Ballot 2014. And we are talking to different top political leaders right now. We are in Raipur and of course our guest here is the Chief Minister of Chhattisgarh, Dr. Raman Singh. Welcome to the show, sir. क्या लग रहा है इस बार की छत्तीसगढ़ में क्या होगा? छत्तीसगढ़ में जैसे देश का एक वातावरण बना है और पिछली बार जो चुनाव के परिणाम आए थे लोकसभा में, इस बार हमारी स्थिति बेहतर है और मुझे लगता है कि पिछली बार हम 11 में 10 जीते थे, इस बार संभावना है कि हम पूरी के पूरी 11 सीट जीतने की स्थिति में रहेंगे। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है लेकिन कि कांग्रेस ने काफ़ी मेहनत की और जो कुछ हाल में हुआ है उससे कहीं ना कहीं रिवाइव किया है पार्टी ने। देखिए, मेहनत तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के कार्यकर्ताओं ने किया है। ये मेहनत तो धरातल में दिखता भी है और खूब लोगों ने प्रयास भी किया और मुझे लगता है कि जो एक आम आदमी की मानसिकता है, जो माहौल छत्तीसगढ़ में खड़ा हुआ है, तीसरी बार सरकार बनने के बाद दूसरा पूरे देश में एक वातावरण बना है कि इस बार NDA की सरकार, मोदी जी को प्रधानमंत्री, तो मैं बार बार कहता हूँ इस बात को कि मोदी का नाम और छत्तीसगढ़ सरकार का काम, ये दो मुद्दे एक और एक मिलके दो नहीं हो रहे हैं, एक और एक मिलके 11 हो रहे हैं। तो ये बड़ा फैक्टर छत्तीसगढ़ में है। लोगों को लगता है कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी है, NDA की UPA की सरकार थी, 5 साल में हमने जो कष्ट झेला है, जो तकलीफ झेली है, जो विकास में एक रोड़ा था उसको दूर करने का समय है। तो ये एक निर्णायक क्षण है और लोग इस बार दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार देखना चाहते हैं, तो ये एक पॉजिटिव। खासकर विधानसभा चुनाव में हमने देखा आप जीत गए, बहुत अच्छी बात है, आप दो फिर आ गए हैं तीसरी बार, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफ़ी एज मिला, लग रहा था कि एक जो आसान बैटल हो सकता था वो थोड़ा मुश्किल हुआ। देखिए, कुछ परिस्थितियाँ बनी, कुछ लोकल एंटी इनकम्बेसिव फैक्टर भी रहा, परिस्थितियाँ बनी, थोड़ा उसका असर दिखा, मगर हम पिछली बार 50 सीट जीते। क्या वजह रही जब आप सोचते हैं तो? पिछली बार 50 जीते थे, इस बार 49 सीट जीते हैं, सीटों का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया, एक सीट पिछली बार से कम हुआ। और मुझे लगता है कि तत्कालिक घटनाएँ और ख़ासतौर से झेरम घाट की घटना हुई, लोगों को पीड़ा हुई, बाद में उनको एहसास हुआ कि इस घटना के लिए सरकार की कहीं जवाबदेही नहीं है, मगर जिस प्रकार भ्रम फैला गया, जुलूस निकाले गए, यात्राएं निकाली गई, तो थोड़ा बहुत उसका असर और मेजर जो फैक्टर मुझे लगता है कि लगातार हम जीतते रहे हैं, उसका भी एक असर होता है। लोकल हमारे कैंडिडेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था तो उस सीटों में हम पीछे रहे, मगर जो मैदान में जितनी सीट हमने बढ़ाई है, बस्तर और सरगुजा में थोड़ा नुकसान हुआ है, उसकी वजह से हम फिर उसी पोजीशन में करीब करीब पहुंचे हैं, 49 सीट। जी, आपकी रणनीति अच्छी रही है, तीसरी बार आप मुख्यमंत्री हैं इसलिए, लेकिन आपने अभी जैसे बस्तर सरगुजा की बात की, तो जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं उसमें क्या रणनीति है, किस तरह से? इस चुनाव के बाद तो स्पष्ट हो चुका है और लोगों को एक प्रकार भ्रम में डाला गया कि हम बेहतर PDS सिस्टम देंगे, मुफ्त में चावल देंगे, बड़ी बड़ी बातें, मगर आज जब UPA का घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि मुफ्त में चावल देंगे। उन्होंने तो 35 किलो से 25 किलो कर दिया, ना उसमें दाल की व्यवस्था की, ना नमक की व्यवस्था की। तो जो मेजर फैक्टर छत्तीसगढ़ में है कि हमने एक मॉडल PDS बनाया है जिसका क्रियान्वयन हम कर रहे हैं, जिस पर हमने जोर दिया, वो भ्रम थोड़ा देर के लिए रहा। अब लोकसभा में पूछता हूँ चुनाव में, क्या इनके घोषणा पत्र में है कि आपको इससे बेहतर PDS दिया जा सकता है? बोले नहीं, UPA ने घोषणा पत्र जारी किया उसमें कहीं जिक्र नहीं है। तो ये जो बस्तर में जिसका इफेक्ट पड़ा था वो साफ हो चुका है और एक चुनाव तो हो चुके हैं उसमें हमारी बहुत शानदार। आपने PDS सिस्टम की बात की और बखूबी उसकी चर्चा चारों तरफ हुई, लेकिन अब जिस तरह से अगर हम UPA सरकार की बात करें तो फूड सिक्योरिटी एक्ट जो लिया है, तो उसकी वजह से आपको लगता है कि उन्होंने भी ये काम किया है? और उस पर बहुत उनका विरोध हुआ कि आप जो हैं ये सिर्फ चुनाव के मद्देनज़र बातें हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि गरीबों के पेट में भोजन जाए। गरीबों के पेट में भोजन मिले, ये यदि उनकी इच्छा शक्ति रहती तो मात्र लोकसभा में बिल पास कर देने से उसका क्रियान्वयन नहीं हो सकता। ना उन्होंने सिस्टम बनाया, ना उनके लिए कोई, बल्कि हमारे हाथ पैर बांध दिए। हम 35 KG दे रहे थे, उसको 25 किलो करने का युक्ति बात, और स्टेट का जो कोटा है जो हम गरीबों के लिए दे रहे हैं उसमें हमें 100% मिलता। 1500 करोड़ का नुकसान स्टेट को इसलिए हो रहा है कि उन्होंने 35 किलो से घटा के 25 किलो कर दिया। तो ये छत्तीसगढ़ को पीछे ले जाने की बात है और ये आधा अधूरा है, और ये खाद्यान्न सुरक्षा दे रहा है देश में।
कैसे देखेंगे आप, केंद्र हमेशा ये बात कहता रहा, हालांकि आपने कहा है कि अगर मोदी जी आए तो आप और राज्य मिलकर एक काम करेंगे, लेकिन केंद्र से आप बात करें तो हमेशा कहता है कि राज्यों को, अगर वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, विकास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका हाथ है जिस तरह से वो मदद कर रहे हैं। तीन बातें मैं चिन्हांकित करना चाहूँगा। मेरे नेशनल हाईवे के चार प्रोजेक्ट जो आज से 6 साल पहले बन जाना चाहिए था, रायपुर बिलासपुर अटका हुआ है, यहाँ से जगदलपुर की बातें रुकी हुई हैं, और मेजर जो NH पे जो फंड मिलना था, जो जिस काम को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, PPP मॉडल पे भी लोग करने के तैयार, परमिशन के लिए मुझे 7 साल इंतज़ार करना पड़ा। तो सरकार बदलने से फ़र्क ये पड़ेगा कि 1 घंटे में मैं इस काम को कर लूँगा, जो प्रदेश की आवश्यकता है, जिसमें केंद्र का कुछ पैसा नहीं लगना है, सिर्फ अनुमति देना है, और हम उस प्रोसेस को करने के लिए बैठे रह गए। इसलिए आपने एक शब्द का प्रयोग किया अभी चुनावी सभा में, स्पीड ब्रेकर की बात आपने की है, तो वो स्पीड ब्रेकर ब्रेकर कहता हूँ। देखिए, रेलवे, बिलासपुर रेलवे जोन हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा देता है, पर रेलवे में सबसे ज़्यादा उपेक्षा छत्तीसगढ़ की हुई पिछले 10 सालों में और 5 सालों में। उसके लिए आप केंद्र को जिम्मेदार मानते हैं? हमने प्रस्ताव भेजे, विस्तार की बात की, सिंगल लाइन को डबल लाइन करने का, बस्तर को जोड़ने की बात की, हमने अपना मॉडल दिया PPP में, रेलवे कॉरिडोर, और रेलवे कॉरिडोर के निर्माण के बाद हमने कहा ये ऐसा मॉडल है जिसमें आपको रेलवे के ऊपर बहुत बजट नहीं पड़ता, और देश तैयार है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो छत्तीसगढ़ के अधूरे हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आयरन ओर है जी, बॉक्साइड है, कोल है, सारा सड़क से जा रहा है, खनिज संपदा है, सारे सड़क से जा रहे हैं। आप कनेक्टिविटी दे दीजिए, आपकी कमाई जो आज बिलासपुर का है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दे रहा है, इसका 4 गुना हम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। लोगों को सुविधा बढ़ेगी, लोगों को कनेक्टिविटी होगी, ट्रैवल एरिया में भी रेलवे का लाइन विस्तार होता है, यहाँ से राजनांदगांव, राजनांदगांव से बिलासपुर, दुर्ग, इतनी नई लाइनें हैं झारखंड से जोड़ने का, उड़ीसा से जोड़ने का। लेकिन मैं बहुत कुछ साल पहले रायपुर आई थी, अब मैं जब आई हूँ मुझे काफ़ी तरक्की दिखी है, खुशी होती है, आप तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये नहीं हो पाता अगर केंद्र आपकी मदद नहीं करता और सिर्फ रोड ही अटकाता। नहीं, सड़कों के निर्माण के लिए जो हमने बजट रखा, जो योजनाएं बनाई, उस योजना का विस्तार किया, नया रायपुर का मॉडल हमने दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने काम किया। यदि वो पैसा नहीं देते तो स्टेट बजट से ज़्यादा पैसा जाता है। यदि इसके लिए यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट मिले, उनकी अनुमति जल्दी मिले, तो इन पैसों का हम और दूसरी जगह उपयोग कर सकते थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक हम काम कर रहे हैं। तो फर्क ये पड़ता है कि निर्णय लेने की क्षमता, आज यदि PDS को हम बेहतर कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारी सिस्टम, आप डिसीजन मेकिंग को कहीं ना कहीं, डिसीजन मेकिंग और 100% जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, जो ग्रोथ कम हुआ है, GDP का हुआ है, पॉलिसी पैरालिसिस सिर्फ किताबी बात नहीं कह रहे हैं, अनिर्णय की स्थिति। कल किताब में पारिक ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया, आप एक पॉलिसी करिए, दुनिया के सारे कामों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, कोल का अमटन हल्ला क्यों होगा। चलिए, पॉलिसी पैरालिसिस की आपने बात की, लेकिन इससे और ज़्यादा बातें निकलती हैं, एंड ऑफकोर्स हम उसके बारे में भी बात करेंगे। राइट नाउ वी आर टॉकिंग टू डॉक्टर रमन सिंह, वी आर टेकिंग अ वेरी शॉर्ट ब्रेक एंड कमिंग बैक अगेन। डू वॉच द क्वेस्ट, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन वी हैव। You're watching The Quest. We are in Raipur and we are talking to Dr. Raman Singh, who is the Chief Minister of Chhattisgarh. Narendra Modi ji ki jo aapne baat ki, kafi baatein ho rahi hain, unki sabhaein bhi hum dekh rahe hain, aapke PM pad ke umidwar hain. Kahin na kahin ek baat aa jati hai ki personality cult ko bahut badhava mila hai, ki ek vyakti party se bada dikhta nazar aa raha hai. Dekhiye, Lok Sabha mein jab bhi chunav hue desh ke andar, logon ke man mein is vishay ko lekar prashn rehte hain कि किसके नेतृत्व में सरकार बनेगी, कौन ऐसा व्यक्ति है जो देश को दिशा दे सकता है, किसके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता है और किसने काम करके दिखाया। आपको ख्याल होगा, नारे हम लोग लगाते थे, अब की बारी अटल बिहारी, बहुत दिनों से लगा रहे हैं। छागला जी की उस सभा को भी मैं याद रखता हूँ, जब पहली बार मैं गया था इट्टी में, उस समय से शुरू हुआ, एक उम्मीद की किरण देश में बनती है। फिर अटल जी के नाम से NDA की सरकार ने सफलता दिखाई, इंदिरा जी के नाम से सरकार बनी। बात की एक बात यहाँ कहूँगी कि उन हर एक पार्टी में आज भी अगर कांग्रेस को कुछ करना होता है तो वाजपेयी जी का नाम लेकर एक सहारा लेते हैं, तो हर एक पार्टी में उनके लिए जो एक रिस्पेक्ट थी और जो उनकी एक्सेप्टेंस लेवल जो उनका था, वो कहीं मोदी जी में नज़र नहीं आता। देखिए, वो 6 साल देश के लिए उम्मीदों का था, और छत्तीसगढ़ खासतौर से, छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण ही अटल जी ने किया, और राजनीति में कांग्रेस, BJP या दूसरे राजनीतिक दल को भी छोड़ दें, अटल जी के बराबर लोकप्रियता 30-40 साल तक विपक्ष में रहे या सत्ता में रहे, राजनीति से थोड़ा पीछे हटने की भी कोशिश हो, मगर अटल जी रहे। आज लोगों को उम्मीद ये लगता है कि जो विकास काम 6 साल में NDA ने किया था अटल जी के नेतृत्व में,
अब उम्मीद होती है कि ये काम नरेंद्र मोदी उसको आगे बढ़ाएंगे। पर दोनों दो डिफरेंट पर्सनालिटी के हैं, व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। वो सबको लेकर चलने वाले एक सूझबूझ वाले नेता थे, और ठीक है कि अब ये कहते हैं कि निर्णय लेने वाले नेता हैं, फर्क है। लेकिन अटल जी से तुलना इस देश में राजनीति में किसी से नहीं किया सकता। सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ पॉलिटिशियन मैं व्यक्तिगत मानता हूँ, इसलिए हम तुलना नहीं करते। पर नरेंद्र जी का भी एक सोच है, एक काम करने का एक तरीका है, देश को जागृत करने की क्षमता है। और आज मुझे लगता है कि देश की उम्मीदें जैसे अटल जी के ऊपर थी, आज पूरे देश के लोग नरेंद्र मोदी की ओर देख रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के नाम से ये पूरा चुनाव लड़ रहा है। अटल जी इस देश में और बीजेपी और जनसंघ के दौर से सर्वोच्च नेता हैं, मगर आज जो परिस्थितियां हैं उसमें पूरा देश, मैं उन्हीं परिस्थितियों की आपकी पार्टी में बात करूंगी कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से, और ये बात शायद नकारें पार्टी के लोग, लेकिन वरिष्ठ नेता हमने देखा है कि कहीं ना कहीं आहत हुए, बहुत दुखी हुए, कुछ चले गए, जसवंत सिंह जैसे। तो कैसे देखते हैं आप कि सबको एक पार्टी को जहाँ तक ले जान समेटने की बात थी वो नहीं हो पा रही है? अभी भी बहुत कहीं ना कहीं अंदर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुखी हैं, और वो वरिष्ठ नेता हैं। नहीं, दुखी तो ना कहा जाए, मुझे लगता है कि वरिष्ठ नेताओं को जो पार्टी में सम्मान मिलना चाहिए वो मिल रहा है, मिलता रहेगा। मगर नरेंद्र मोदी अकेले निर्णय लेते हैं, ये तो होता नहीं। जो भी निर्णय होता है बीजेपी करती है, बीजेपी में बैठ के होता है। ये बोला जाता है कि नरेंद्र जी ने ये किया। अचानक जसवंत सिंह को हमने टीवी पर जब देखा कि उनके आंख में आंसू थे, बुरा लगता है। सबको देखकर भी बुरा लगता है कि एक पार्टी में जो एक वरिष्ठ नेता इतने सालों तक रहता है, वो अगर जाता भी है तो किन परिस्थितियों में जाता है और कैसे जाता है? जसवंत जी का जाना पार्टी के लिए भी, और हम सब मानते हैं कि हमारे बहुत सीनियर लीडर थे, जिन परिस्थितियों में, मगर मुझे लगता है कि राजनीतिक दल में जब हम एक बड़े संगठन में काम करते हैं तो निर्णय को स्वीकार करने की भी क्षमता हम सब में अंदर होनी चाहिए। जैसे सुषमा जी को भी आप देख लीजिए, अभी सुषमा जी को देख लीजिए, पार्टी का कार्यकर्ता नहीं आया, भाषण नहीं दिया उन्होंने, दुखी होकर चली गई। तो ये सब जो हो रहा है उससे कहीं ना कहीं ये पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं। देखिए, उस घटना का मैंने भी टीवी में आज देखा। ये तो सामान्य प्रोटोकॉल है कि वरिष्ठ नेता जब आ रही हैं लीडर पोजिशन, तो हम सबको रहना चाहिए, हम लोग कोशिश भी करते हैं सब रहें। कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं चूक हुई है, तो उसके लिए लोग माफ़ी भी मांगा है कि ऐसे नेताओं जो राष्ट्रीय स्तर में और जिन्होंने लंबे समय तक राजनीति किया, तो इससे मैं ठीक नहीं मानता कि हमारे वरिष्ठ लोगों की प्रेजेंस तो होना चाहिए, चूक कहीं हुई है। एक और चीज़ की, अब जब आपने बात की पार्टी ने, जब कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से कुछ मुस्लिम धर्मगुरु मिले, फिर अब राजनाथ सिंह जी से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इनको बेहतर मानते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि मोदी जी से बेहतर राजनाथ सिंह को मानते हैं। आप कैसे इस पूरी घटना को देखेंगे? देखिए, मिलना जुलना सबसे होना चाहिए। इतने बड़े राष्ट्रीय दल में हैं तो धर्मगुरुओं से मिलेंगे, सभी धर्मगुरुओं से मिलेंगे। उनका अपना व्यक्तिगत ओपिनियन हो सकता है, मगर देश का मत तो नहीं है। नहीं, वो एक गुरु हैं, एक हेड करते देश, हैं। देश तो आज सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग, और धर्मगुरुओं की अपनी बात हो सकती है, क्योंकि वो अपने हिसाब से अपनी बात करते हैं। उनकी बातों में मैं कुछ उसका खंडन भी नहीं करूँगा, मगर राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और उनको देश ने स्वीकार किया है। कैसे देख रहे हैं आप आजकल जो राजनीति में हो रहा है कि टिक्का टिप्पणी जिस तरह से हो रही है, चाहे वो गांधी परिवार में हम देख रहे हैं जहां दोनों पार्टियों के लोग हैं, या फिर कभी मोदी जी कभी राहुल जी, तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि जो स्तर है पूरा, और एक दूसरे पर वार कहीं व्यक्तिगत ज़्यादा हो जाता है? इस बार टेम्परेचर कुछ बढ़ा हुआ है देश का, अप्रैल के महीने में ही टेम्परेचर बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि इस तापमान को हमको सबको कम करना चाहिए, राजनीति में जो भी बातें आ रही, परिवार के ऊपर, बाकी विषय में भी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि हम राजनीतिक बात जब कहते हैं, नरेंद्र मोदी कभी व्यक्तिगत किसी पे वार नहीं करते, मुद्दों की बात, सिद्धांत की बात करते हैं। पर ऐसा हो नहीं रहा है। अभी जो दिख रहा है प्रियंका के साथ, वरुण के साथ हो रहा है, इनके साथ हो रहा है, तो मुझे लगता है हम बड़ी बात करें, देश के लिए बात करें, इस लोकसभा के लिए बात करें। मेरे संबंध परिवार से किससे कब कैसे थे, उसको देश से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसकी जरूरत है। एक चीज़ और जरूर कि तीसरी बार आप मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, और तीसरी बार नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हैं। कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि आगे भी अच्छा करेंगे तो एक बड़ा आपका कद होता जा रहा है, आप अपनी अपना बड़ा रोल देखते हैं, कभी पार्टी में ये देखते हैं कि हेड करेंगे उसको, कभी देश को हेड करें, ऐसा कद हम लोगों का बढ़ाया तो पार्टी ने बढ़ाया,
कद बढ़ाया तो मेरे कार्यकर्ताओं ने बढ़ाया, और अच्छी बात है कि तीसरी बार भी सफलता मिली तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और जहाँ तक पहचान छत्तीसगढ़ में हो, छत्तीसगढ़ के बाहर हो, हमारी योजनाएं बोलती हैं, हम लोग जो काम करते हैं, शिवराज जी ने जो बहुत अच्छे काम किए, आज पूरे देश में उसकी गूंज है। कुछ सिस्टम हमने नए तैयार किए, कुछ मॉडल तैयार किए, उसकी भी गूंज है। नरेंद्र भाई ने तो 15 साल में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया डेवलपमेंट के लिए, GDP का ग्रोथ और उनकी योजनाएँ। तो मुझे लगता है स्टेट जब अच्छा करता है तो देश के लिए उम्मीद जगती है। अपने स्टेट की बात की तो आज कहीं मैंने पढ़ा कि जहाँ तक स्कूली शिक्षा की बात है, और यह किसी अखबार में है, तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ का स्थान काफ़ी पीछे है। देखिए, मापदंड, गुणवत्ता, सर्व शिक्षा अभियान के विस्तार, स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएँ, ये उस दौर में गुजर रहे हैं कि जब बहुत लाखों शिक्षकों की भर्ती की है, शिक्षाकर्मी बने, उनको प्रशिक्षण देने की बात, और तेज़ी के साथ जब विस्तार करते हैं तो हम, अब हमारी कोशिश है कि हमने स्कूल बहुत सारे खोल दिए, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल। अब ये सेकंड फेज़ आ रहा है जिसमें हम खुद बेहतर और गुणवत्ता की ओर ध्यान देंगे और वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे, ये हम सबका लक्ष्य रहेगा। किसी स्थान में, किसी क्षेत्र में कमी होगी, उसको दूर करेंगे जी। इसी पर एक और ब्रेक लेते हैं, थोड़ी सी और बातें उसके बाद होंगी। एंड फाइनली अ सेकंड ब्रेक नाउ, यू वॉचिंग द क्वेस्ट, वी आर टॉकिंग टू डॉक्टर रमन सिंह, द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन, यू वॉचिंग द क्वेस्ट, वी आर टॉकिंग टू डॉक्टर रमन सिंह। कहीं ना कहीं डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात की है नरेंद्र मोदी ने, वंशवाद के लिए कांग्रेस को हमेशा बुरा कहा है। हमें लग रहा है कि नए लोग आने चाहिए, आपके बेटे हैं राजनांदगांव से, और कैसा लगता है, एक तो आपको इसलिए नहीं कि वो आपके बेटे हैं, उनका प्रदर्शन रहेगा, और दूसरा कि कैसे आप देखेंगे कि वंशवाद की जो बात है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है अभिषेक के राजनीति में आने का, 8 साल से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा था, जहाँ पार्टी ने जो जवाबदारी दी उसको करता रहा, लगातार बातें आती रही। इस बार ज़्यादातर राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से, कवर्धा से लेकर राजनांदगांव तक, लोगों ने, संगठन ने अभिषेक के बारे में बार बार कहा। मैंने कहा ये निर्णय मुझे नहीं लेना है, यदि अभिषेक को राजनीति में लाना है तो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति और राष्ट्रीय चुनाव समिति उनके ऊपर है कि यदि इनका नाम पैनल में जाता है, 3 नाम, और फिर जो वर्तमान सांसद है उसने भी मेरे पास आकर कहा कि मुझे आपने अवसर दिया था और इस बार मैं भी चाहूँगा कि अभिषेक, मैं कहा दिल्ली में बात करिए, केंद्रीय नेतृत्व से बात किया, सबसे बात किया, और यहाँ से लेकर वहाँ तक आम सहमति से जब उसका नाम आया तो मुझे लगा कि जब वो राजनीति में काम कर रहा है, लोगों की इच्छा है, तो मैंने फिर उसका कोई विरोध नहीं किया। एक बड़ी बात जिसकी बात ज़रूर करनी पड़ेगी, हम छत्तीसगढ़ में हैं, जो ये नक्सलवाद की समस्या है, और हमने हाल में देखा है कि कितना सैक्रिफाइस लोगों को करना पड़ा, कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा समूह जो है वो हमने खो दिया, किस तरह से आप देखेंगे, किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं इसका? पिछले 10 सालों में हमने मेहनत किया, प्रयास किया, फोर्स ने भी मेहनत किया, ये उनकी बौखलाहट है। जरमगाड़ी की घटना हुई है तो वो दिखाता है कि वो कितने कमज़ोर हुए हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में मेहनत के साथ उनको पीछे खदेड़ा गया, वो बड़ी घटना करके ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा प्रेजेंस है। बाकी पूरा सरगुजा हमने क्लियर कर लिया, बस्तर में भी बड़े हिस्से में हमारी मजबूती के साथ प्रेजेंस है, मगर अचानक इस प्रकार की घटनाएं जिस प्रकार वो करते हैं, और बाद में वो क्षमा मांगते हैं। अभी भी उन्होंने जो 2 ब्लास्ट किया, गलती उन्होंने स्वीकार की, मगर जयराम की क्षमा मांगने से वो हमारे पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता लौट के नहीं आएंगे। ये तो एक प्रकार से हत्या करना और उनको मारने के बाद उनके परिवार वालों के सामने इतनी पीड़ा की स्थिति हुई, तो मुझे लगता है कि ये अंतिम दौर में है और अपनी बौखलाहट को दिखाने के लिए इस प्रकार की घटना करते हैं। आने वाला 5 साल बेहतर होगा शांति और विकास के लिए। कैसे आप एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं, उस समय पूरा देश हिल गया था, एक पार्टी की बात नहीं थी, और मुझे लगता है आपको बहुत खुद दुख हुआ था, बट कैसे उस पूरी घटना को आप मानते हैं जिसमें एक पूरे राजनीतिक दल को टारगेट करके? और नहीं, हमने सबने, हमारे साथी विद्याचरण शुक्ला जी उस घटना में शहीद हुए, पटेल साहब काफ़ी वरिष्ठ नेता, मेरे साथ 30 साल राजनीति किया नंद कुमार जी, और मेरे साथ महेंद्र कर्मा विपक्ष में रहे, साथ रहे, मगर नक्सल मुद्दे में हम लोग वैचारिक रूप से एक साथ चलने वाले लोग थे। बड़ी टीम को नुकसान हुआ और ये स्टेट का और देश का नुकसान हुआ है।
इसके लिए तो मैं कहता हूँ कि, लेकिन आपने ये कहा है कहीं कि अब जब और ज़्यादा चुनाव जब खत्म हो तो आप आधुनिक तकनीक का प्रयोग करें, बहुत सारी चीज़ें आप चाहते हैं जो करें जैसे नक्सलवाद का। देखिए, डेमोक्रेसी को समाप्त तो नहीं किया जा सकता, प्रजातंत्र को हराया नहीं जा सकता। आश्चर्य करेंगे कि बस्तर में मतदान का प्रतिशत 4% बढ़ गया पिछले लोकसभा से तुलना करें, और यही वजह है जो उनकी पीड़ा है कि उन्होंने पूरी तरीके से इलेक्शन का बाइकाट किया, और इलेक्शन का परसेंटेज जब वोट का बढ़ता है तो उनको लगता है कि वो चूक रहे हैं, हार रहे हैं, लोग उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो फिर ऐसे कदम उठाते हैं जिसमें एक दहशत का माहौल बने। ये सब धीरे धीरे ठीक होगा। आपका इतना अनुभव है डॉक्टर रमन सिंह, किस तरह से हम आम आदमी पार्टी को देखेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये बात कह रही है कि हम आम आदमी के मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, आप खुद आम आदमी के बीच इतने सालों से हैं, तो आप कैसे देखेंगे कि क्या वो राजनीति में कोई शिफ्ट ला रहे हैं जो रियल शिफ्ट कहा जाए? देखिए, हल्ला कर देने से कुछ नहीं होता, घोषणाएं कर देने से कुछ नहीं होता, नारे लगाने से कुछ नहीं होता। जब आप जवाबदारी आपको दी जाती है, फिर उस समय आपने जो वादा किया जनता से उसका क्रियान्वयन का अवसर जब मिलता है उस समय आप भागते हो, तो ये पलायनवादी दृष्टिकोण है। उन्होंने माफ़ी मांगी हाल में। आप बड़ी बड़ी चीज़ें क्यों कहते हो? जो हो सकता है, मैं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सारी बातें करूँ, यदि मैंने PDS की बात कही, मैंने जीरो इंटरेस्ट रेट करने की बात कही, मैंने दूसरी योजनाओं को लागू किया, मैं जानता हूँ मेरी बजट क्या हो, 300 रुपया बोनस दे रहा हूँ मैं, 2400 करोड़ मैं स्टेट के बजट से निकाल रहा हूँ, सबकी सहमति लेता हूँ, पक्ष विपक्ष को तैयार करता हूँ, तो योजना ऐसी बने और बात हम इतनी करें कि देश के अंदर और जनता के बीच में हमारी विश्वसनीयता सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं है, 5 साल में हमारी परीक्षा होती है, उसमें वो भाग गए, अब भागिए मत, मैदान में आइए। वो कह रहे हैं हम फिर आ रहे हैं और हम बड़े बड़ों को धराशायी करेंगे, वाराणसी में हैं तो कहते हैं कि हम तो बड़े बड़ों को चुनौती देते हैं। दिल्ली में ही सफाया हो रहा है, वाराणसी की बात ही क्या करें, दिल्ली में ही आपकी जो स्थिति है, शायद मुझे नहीं लगता कि कोई एक लोकसभा सीट दिल्ली से जीते हो। कितनी सीटों का अनुमान कर रहे हैं आप लोग पार्टी के तौर पर, किस तरह मतलब आगे क्या भविष्य देख रहे हैं अभी चुनाव के? मैं तो नहीं, मगर सर्वे जितने आ रहे हैं, देश के ऑब्जर्वर जो अपनी बात कर रहे हैं, मैं उसे सहमत हूँ कि NDA 272 क्रॉस करेगा। और अगर ये जो थर्ड फ्रंट की बात होती है उसको कैसे देखते हैं आप, एक विकल्प के तौर पर आ जाते हैं, कुछ पार्टियां साथ आ जाती हैं? वो कभी एक साथ बैठने की स्थिति नहीं है, वो मिलके नहीं लड़ सकते तो मिलके सरकार क्या चलाएंगे, सरकार चलाने की क्षमता तो सिर्फ और सिर्फ NDA में है, और मोदी जी के साथ लोग और जुड़ेंगे। आप कहीं ना कहीं सबको लेकर चले हैं डॉक्टर रमन सिंह, लेकिन अभी कांग्रेस की अगर बात करें तो उनका एक वार और है कि जो महिलाओं की सुरक्षा, जो अब बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है, उसके बारे में बात हुई है कि कितना छत्तीसगढ़ में हो रहा है। आज ही एक बयान आया कि यहाँ पर भी बलात्कार के जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार जो है वो भी हो रहा है, तो किस तरह से आप इसको सुलझाने की कोशिश करें या क्या इरादे हैं? हमारे यहाँ महिलाओं के ऊपर इस प्रकार की घटनाएँ बहुत रेयर हैं, देश के दूसरे हिस्सों को देखा जाए, आश्चर्य करेंगे कि यहाँ एक हमारा कल्चर है बस्तर से लेकर सरगुजा तक ट्रैवल के अंदर, मेल फीमेल का रेशो में हम इंडिया के बेस्ट हैं, वन केरल के बाद नंबर दूसरे में है। महिलाओं का सम्मान, भ्रूण हत्या, बलात्कार की घटनाएं कुछ शहरी क्षेत्र में थोड़ी बहुत हो जाती है, मगर समानता यहाँ पे महिलाओं का सम्मान है, और महिलाओं के हाथ में लीडरशिप भी काफ़ी तेज़ी से आया है, इसलिए छत्तीसगढ़ उन बातों से काफ़ी दूर है, काफ़ी शांत है, और ऐसी घटनाएं जो देश के दूसरे हिस्सों में होती है, कभी घटना किसी इलाके में हो जाए और आप पूरे बस्तर और सरगुजा में देख लें, बहुत कम ऐसी घटनाएं होती। तो आपको लगता है कि एक पार्टी जो है आगे, जब आप चुनाव के नतीजों की तरफ बहुत आशा से देख रहे हैं, वो सबको लेकर चलने वाली पार्टी, और क्या आखिर में जबकि हम कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं, आप विजन बताएंगे पार्टी के लिए? विजन बड़ा स्पष्ट है, और इस बात को चुनाव के घोषणा पत्र में भी बहुत स्पष्ट किया है, नीतिगत निर्णय तेजी के साथ हो, देश के अंदर का जो GDP का जो ग्रोथ है वो तेज़ी से हो, महंगाई पर लगाम लगे, और आज जो स्थिति अनिर्णय की बनी हुई थी पिछले 5 साल से वो समाप्त हो, और एक बार यदि निर्णय हम तेज़ी के साथ लेते हैं तो लोगों को उम्मीद जगती है, और उसके साथ ही साथ आज देखिए अपने आप इस संभावना से ही कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, बाजार अपने आप सुधर रहा है, तो ये एक धमक होती लेकिन है। लेकिन कहीं वर्गों में अभी तक समेटने की जो बात लग रहा था कि होगी वो नहीं हो पा रहा, जो भ्रम फैलाया जा रहा है देश, उस भ्रम को दूर करने का अवसर भी तो मिलेगा 5 साल में, लोगों को जो डराया जा रहा है उस डर से मुक्ति तो होगी, जो गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहाँ BJP की सरकारें हैं
वहाँ कहीं भी दंगे हो नहीं सकते, हो नहीं सकते। ये क्या कह रहे हैं? हाँ, ये हमारे इतने अच्छे रिलेशन बनाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बात दंगे से ही शुरू। हाँ, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ कि ये सामंजस्य बैठाने की बात है, अविश्वास समाप्त करने की बात है। और उनके पर भी आप अमित शाह जैसे नेता जो कहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा तीखी बात कर देते हैं, ऐसा माहौल जो एक पैदा हो जाता है, क्योंकि कोर टीम जब बनती है तो कहीं ना कहीं ऐसे नेता भी हैं, उत्तेजक बातें हो जाती हैं, हर एक पार्टी में भी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अमित शाह जिसको कहते हैं कि देखिए, बड़ा दायित्व मिलेगा, बड़ी सोच लेकर और बड़े काम करने वाले नेता हैं, सब कुछ बेहतर होगा इस देश में, मैं उम्मीद करता हूँ। क्या सपना है आपका डॉक्टर रमन सिंह से, अगर मैं बात करूँ एक व्यक्ति के तौर पर? छत्तीसगढ़ का बेहतरी के लिए जो और बेहतर काम हो सकता है आने वाले 5 साल में करूँगा, और छत्तीसगढ़ का एक मॉडल स्टेट जिसकी तुलना हम केरल और गुजरात से करते हैं सारे इंडिकेटर्स में, उसकी बराबरी में खड़ा करना और देश के सबसे डेवलप स्टेट के रूप में छत्तीसगढ़ को स्थापित करना, जिसकी संभावना है। छत्तीसगढ़ वो सब कुछ कर सकता है, देश के जो विकसित राज्य कर रहे हैं, उतनी संसाधन हमारे पास है, इतने हमारे पास ज़मीन है, इतने हमारे पास मैन पावर है, तो ये एक बेहतर राज्य के रूप में है। जो क्षेत्रीय असंतुलन का शिकार था, जो पिछड़ गया था, अब ये राज्य 2000 से लेकर 2014 14 साल का हो गया है। टीनेज में लंबी छलांग होती है, नई उम्मीदें रहती हैं, हर दिन नया लगता है, तो इस नई उम्मीदों को देश की छत्तीसगढ़ की जनता के सपना को पूरा करने का काम है और उसमें हम सफल होंगे। एक बहुत लंबा रास्ता है और बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर रमन सिंह, आपने एक लंबा सफ़र तय किया और आगे भी लगता है कि आपका भविष्य अच्छा ही रहेगा। हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, एंड दैट वाज डॉक्टर रमन सिंह टॉकिंग टू अस ऑन ऑल द इश्यूज, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ बेटर फ्यूचर, स्पेशली इन द इलेक्शंस। नाउ इट्स टाइम टू रैप अप। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।